You are watching Gatecrackers. For more videos and latest updates, please subscribe our channel. नमस्कार दोस्तों, मैं साफ यादव स्वागत करता हूं आप लोगों का। दोस्तों, हम लोगों ने एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में बीजेटी एज एन एम्पलीफायर पढ़ा और वो अभी हमने उसमें क्या देखा, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में इनपुट आउटपुट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना सीख लिया विद एंड विदाउट बाईपास कैपेसिटर, साथ ही साथ वोल्टेज गेन भी सीख लिया विद एंड विदाउट कैपेसिटर। अब हम देखेंगे तीसरा पार्ट, करंट गेन कैलकुलेट करना विद एंड विदाउट कैपेसिटर। तो करंट गेन अगर हमें कैलकुलेट करना है तो अगेन हम देखेंगे कि करंट गेन कैलकुलेट करने के लिए आउटपुट करंट जो होगी वो आपकी ये होगी IL, इनपुट करंट जो होगी वो आपकी ये भी हो सकती है I1, ये भी हो सकती है I2 और ये भी हो सकती है I3। जैसे हमने वोल्टेज गेन निकालते समय देखा था कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच वोल्टेज गेन सेम आता था, मतलब इस पॉइंट को इनपुट मानो या इसको इनपुट मानो, आउटपुट तो यही है, ये इनपुट मानो या ये इनपुट, क्योंकि दोनों पॉइंट शॉर्ट हैं तो दोनों के अक्रॉस वोल्टेज सेम था। तो यहां और यहां, चाहे यहां पे इनपुट माने चाहे यहां पे, वोल्टेज गेन सेम आ रहा था। उस तरीके से यहां पे देखेंगे जो करंट ये है वही करंट ये है, तो चाहे यहां से करंट गेन निकाले मतलब दिस आउटपुट अपॉन दिस इनपुट, चाहे दिस आउटपुट अपॉन दिस इनपुट, तो इन दोनों के लिए सेम आएगा। मतलब कुल मिला के ये है कि वहां V1 और V2 इक्वल थे, यहां I2 और I3 इक्वल है, बस इतना भर अंतर है। तो अब हम इसका पाई मॉडल बना के देखते हैं। पाई मॉडल में हम क्या देखेंगे, दिस इज आर पाई, बाईपास कैपेसिटर हमें क्या करना है, लगा हुआ है यहां पे, तो बाईपास कैपेसिटर जब हमारा लगा हुआ है तो ये आर ई जो है वो बाईपास हो जाएगा, तो शॉर्ट हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा R1 पैरेलल R2। ये कैसे आते हैं इसके लिए प्रीवियस वीडियो देखिएगा, ये दोनों शॉर्ट हो जाएंगे क्योंकि यहां पे VCC है, AC एनालिसिस करेंगे तो ये ग्राउंड हो जाएगा। साथ ही साथ हम देखेंगे कि आउटपुट में हमें यहां पे मिल जाएगा RC और यहां पे मिल जाएगा RL, ये V0 है और ये हमारी IL करंट है। यहां पे हम देखेंगे कि ये हमारा RB है, ये C और ये C, दोनों C1 और C2 और CE दोनों शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे क्योंकि एक्सटर्नल कैपेसिटर्स जो है वो मिड बैंड में शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं, ध्यान रखना ये हम मिड बैंड एनालिसिस कर रहे हैं। अब हमें चेक करना है कि करंट गेन क्या होगा। IL को हम, आप चाहो तो इसे I0 भी लिख सकते हो क्योंकि ये आउटपुट करंट है हमारी। तो सबसे पहले तो हमें आउटपुट करंट कैलकुलेट करना है, तो देखिए ये दोनों पैरेलल में हैं, टोटल करंट जो है वो है हमारी GMVV, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। अगर IL ऊपर की तरफ होती तो देखो इसकी डायरेक्शन और GMVV की डायरेक्शन सेम होती, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन है, मतलब एक माइनस साइन आएगा। जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो किसी भी एक रेजिस्टेंस में फ्लो होने वाली अगर करंट कैलकुलेट करना हो तो हम लिखते हैं टोटल करंट इनटू दूसरा वाला रेजिस्टेंस जिसमें फ्लो हो रही वो नहीं, दूसरा वाला, तो RC डिवाइडेड बाय RC पैरेलल RL डिवाइडेड बाय दोनों का समेशन, लेकिन चूंकि डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए एक माइनस साइन, तो यहां पे आपको क्या मिल चुकी है, आउटपुट करंट मिल चुकी है। अब आप अगर देखो कि पहली इनपुट करंट हमने बोला था ये है I1, दूसरी ये है I2, तीसरी ये है I3, मतलब जब आपसे वो करंट गेन कैलकुलेट करने को बोलेगा तो या तो इसको इनपुट करंट बोल सकता है या इसको बोल सकता है या इसको, तो सबसे पहले यहां से कैलकुलेट करें। आपको पता है इसके अक्रॉस वोल्टेज आर पाई के अक्रॉस कितना वोल्टेज है VB, किसी भी रजिस्टर के अक्रॉस अगर आपको वोल्टेज पता हो तो उसकी करंट कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब I1 इज इक्वल टू आएगा VB अपॉन आर पाई, बहुत आसान है। तो अब आप देखिए कि क्या हम VB की जगह I1 इंटू आर पाई लिख सकते हैं यहां पे, तो कितना हो जाएगा, I0 इज इक्वल टू हो जाएगा -GM और VB की जगह लिखेंगे I1 इंटू आर पाई RC अपॉन RC प्लस RL। तो यहां से देखेंगे I0 अपॉन I1 दैट इज इक्वल टू -GM आर पाई RC अपॉन RC प्लस RL, ये आ चुका है हमारा करंट गेन विद बाईपास कैपेसिटर। ध्यान रखना करंट गेन I0 अपॉन I1 इज इक्वल टू आ चुका है -GM इंटू आर पाई RC अपॉन RC प्लस RL। चलिए अब हम बात करते हैं यहां से करंट गेन कैलकुलेट करने की। दूसरे पॉइंट से अगर हम करंट गेन कैलकुलेट करना चाहें तो हमें I2 और I1 में रिलेशन निकालना पड़ेगा। तो देखिए ये दोनों पैरेलल में हैं, जब पैरेलल में हैं तो हम देख सकते हैं कि I1 इज इक्वल टू टोटल करंट है I2
इनटू दूसरा वाला रेजिस्टेंस कौन सा है, आर वन पैरेलल आर टू, डिवाइडेड बाय दोनों का समेशन, तो डिवाइडेड बाय हो जाएगा आर वन पैरेलल आर टू प्लस आर पाई। तो यहां से देखिए आई वन की वैल्यू आ गई, तो अगर हम यहां पे आई वन, कभी हम कैपिटल बना दे रहे हैं कभी स्मॉल, तो इसमें इससे कंफ्यूज मत होइएगा, एक ही है वो। अब यहां से देखिए आई वन की वैल्यू अगर हम पुट कर दें तो आई नॉट अपॉन आई वन की जगह आपका क्या आ जाएगा, आई वन की जगह आपका आ जाएगा आई टू इंटू आर वन पैरेलल आर टू डिवाइडेड बाई आर वन पैरेलल आर टू प्लस आर पाई, दैट इज इक्वल टू माइनस जी एम आर पाई आर सी अपॉन आर सी प्लस आर एल। तो यहां से अगर हम करंट गेन कैलकुलेट करना चाहें तो हमारे पास आ जाएगा आई नॉट अपॉन आई टू दैट इज इक्वल टू माइनस जी एम आर सी आर पाई डिवाइडेड बाई आर सी प्लस आर एल इंटू आर वन पैरेलल आर टू डिवाइडेड बाई आर वन पैरेलल आर टू प्लस आर पाई। ये हमारे पास करंट गेन आ चुका है इस पॉइंट का, अगर इसे इनपुट माने, अगर इसे इनपुट मानेंगे तो दिख रहा है आई टू इज इक्वल टू आई थ्री, तो यही हो जाएगा हमारा आई नॉट अपॉन आई थ्री। तो इस तरीके से हमने तीन करंट गेन कैलकुलेट कर लिए हैं, देख लीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाए यहां पे, ये तो था विद बाईपास कैपेसिटर, अगर विदाउट बाईपास कैपेसिटर पूछा जाए तो अब हम सिर्फ इस टर्मिनल की बात करेंगे, बाकी में तो फर्क पड़ेगा, लेकिन अभी हर बार हम इसी टर्मिनल की बात कर रहे हैं विद और विदाउट बाईपास कैपेसिटर। तो अगर विदाउट बाईपास कैपेसिटर देखेंगे हम नेक्स्ट पॉइंट पे कि भाई बाईपास कैपेसिटर है ही नहीं, जब बाईपास कैपेसिटर नहीं है तो यहां पे क्या आ जाएगा आपका आर ई आ जाएगा। आई नॉट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आई नॉट तो यही रहेगी। साथ ही साथ अब हम जब आगे बढ़ेंगे तो हम क्या देखेंगे कि आई वन तो अभी भी कितना है वीवी अपॉन आर पाई, वीवी अपॉन आर पाई, तो वीवी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आई वन इंटू आर पाई। तो जब वीवी की वैल्यू रखोगे आई वन इंटू आर पाई इसकी जगह, तो वही का वही फिर से आपका आई नॉट अपॉन आई वन इज इक्वल टू माइनस जी एम इंटू आर पाई आर सी डिवाइडेड बाई आर सी प्लस आर एल। मतलब करंट गेन पे बाईपास कैपेसिटर हटाने या लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस टर्मिनल की बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम बात करेंगे इस टर्मिनल की तो फर्क पड़ेगा। कैसे फर्क पड़ेगा कि जब हम ये वाली करंट में रिलेशन निकालेंगे तो अभी क्या देख रहे थे हम कि आई वन इज इक्वल टू हम देख रहे थे दूसरा वाला रेजिस्टेंस इंटू टोटल करंट डिवाइडेड बाई इन दोनों का समेशन। अब हम क्या देखेंगे दूसरा वाला रेजिस्टेंस इंटू टोटल करेंट डिवाइडेड बाई इसका और इन दोनों का टोटल का समेशन। तो ये टोटल जब हम निकालेंगे तो इसमें वन प्लस बीटा का और मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस टर्मिनल से अगर करंट गेन निकालेंगे तो फर्क पड़ेगा, लेकिन नॉर्मली बात होती है बेस टर्मिनल की, तो बेस टर्मिनल पे अगर हम इनपुट माने, मतलब पीछे की सर्किटरी को तवज्जो ना दें, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट से करंट गेन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। वोल्टेज गेन जो है वो कम हो जाता है, कितनी मैग्नीट्यूड से, वन प्लस जी एम आर ई टाइम से, और रेजिस्टेंस इनपुट रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाता है, कितनी मैग्नीट्यूड से, वन प्लस जी एम आर ई टाइम से, तो उसके लिए पुराने वीडियोस देखिएगा। करंट गेन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप देख रहे होंगे कि जो हम करंट गेन कैलकुलेट करे हैं उस करंट गेन में भी एक माइनस साइन है, यानी कि करंट को भी ये 180 डिग्री से फेस शिफ्ट कर देता है। कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं हम, स्टार्टिंग के जो तीन वीडियो, ये इससे पहला और इससे पहला जो तीन वीडियो अपलोड कर रहे हैं हम, वो तीनों वीडियो में हमने देखा है कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन की बात की है। तो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन वोल्टेज गेन में भी 180 डिग्री फेस शिफ्ट, वोल्टेज में भी 180 डिग्री फेस शिफ्ट दे रहा है, और करंट में भी क्या दे रहा है 180 डिग्री फेस शिफ्ट। हमने वहां पे आपसे बोला था वोल्टेज गेन में कि अगर आपको ओपन सर्किट वोल्टेज गेन कैलकुलेट करना है तो आरसी पैरेलल आरएल की जगह सिंपली आपको आरसी रख देना है, क्योंकि आरएल हो जाएगा ओपन तो आरएल खत्म हो जाएगा। यहां पे कई बार पूछा जाता है शॉर्ट सर्किट करंट गेन, शॉर्ट सर्किट करंट गेन। तो शॉर्ट सर्किट करंट गेन की अगर हम बात करेंगे तो जब इसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे लोड को, तो देखिए आरसी में कोई करंट नहीं जाएगी, तो जो भी करंट जाएगी वो इस शॉर्ट सर्किट में जाएगी, तो सीधा सीधा आई नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस जी एम वीवी, पूरी की पूरी करंट क्या हो जाएगी आउटपुट करंट। अब आपका आरसी और आरएल से कोई मतलब नहीं, क्योंकि लोड हो गया शॉर्ट सर्किट और आरसी में कोई करंट जाएगी नहीं। और हमने अभी देखा था कि आई वन इज इक्वल टू कितना था वीवी अपॉन आर पाई, तो वीवी इज इक्वल टू हो जाएगा
I1 into R pi। यहां से अगर हम वैल्यू रखें तो I नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस GM into I1 R pi। तो I नॉट अपॉन I1 दैट इज इक्वल टू माइनस GM into R pi। और आपको पता है GM into R pi क्या होता है? बीटा। तो देखिए करंट गेन क्या हो गया है? माइनस बीटा। नॉर्मल सी बात है, अगर इसको हम IC मान के चलें तो IC जो है वो I नॉट के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो आप लिख सकते हो इसे कि I नॉट इज इक्वल टू हम माइनस IC लिख सकते हैं। और इनपुट करंट जो है वो आपकी क्या है, एक टाइप से बेस करंट है, तो डिवाइडेड बाय बेस करंट दैट इज इक्वल टू माइनस बीटा। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन का करंट गेन जो है वो क्या होता है? बीटा होता है। लेकिन ध्यान रखना आउटपुट करंट की डायरेक्शन हमेशा हाई टू लो वोल्टेज होगी ग्राउंड की तरफ, इसलिए इसमें 180 डिग्री किया जाता है फेज शिफ्ट। तो इसकी जो करंट गेन की मैग्नीट्यूड है वो बीटा है, एंड बीटा इज ऑल्सो अ हायर वैल्यू। तो ध्यान रखना कि कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन का एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये होता है कि इसका करंट गेन भी हाई होता है, वोल्टेज गेन भी हाई होता है, इसीलिए इसको पावर एम्पलीफायर के रूप में भी यूज कर सकते हैं, करंट एम्पलीफायर के रूप में भी यूज कर सकते हैं, और वोल्टेज एम्पलीफायर के रूप में भी यूज कर सकते हैं। ध्यान रखना इसका करंट गेन वोल्टेज गेन दोनों हायर होते हैं, इसलिए पावर एम्पलीफायर, करंट एम्पलीफायर और वोल्टेज एम्पलीफायर तीनों एम्पलीफायर की तरह कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन का यूज कर सकते हैं। बाकी और कोई भी ऐसी कॉन्फ़िगरेशन नहीं है जिसमें तीनों एम्पलीफाई हो। किसी में अगर करंट एम्पलीफाई होगी तो वोल्टेज नहीं होगा, वोल्टेज एम्पलीफाई होगी तो करंट नहीं होगा। सिर्फ कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन ऐसी है जिसमें दोनों वैल्यू एम्पलीफाई होती हैं। तो ये है हमारा यहाँ पे हमने देखा कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें हमने मिड बैंड एनालिसिस में करंट गेन, वोल्टेज गेन और इनपुट और आउटपुट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना सीखा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कोई और कॉन्फ़िगरेशन लाएंगे, कॉमन कलेक्टर या कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें फिर से यही तीन चीजें मिड बैंड एनालिसिस में देखेंगे। और उसके बाद फिर दूसरा, अगर पहले कॉमन एमिटर लाए तो फिर कॉमन कलेक्टर लाएंगे, देन हम हायर फ्रिक्वेंसी और लोअर फ्रिक्वेंसी एनालिसिस देखेंगे। हमने एक नया चैनल क्रिएट किया है जिस चैनल पे हम नॉर्मली संडे को लाइव आते हैं, कभी कभी संडे को नहीं आ पाते हैं तो किसी और दिन को लाइव आते हैं। तो अगर आपको लाइव हमसे क्वेश्चन पूछना है किसी भी टाइप के तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिस चैनल का नाम है गेट क्रैकर सपोर्ट। उस चैनल की लिंक जो है वो इस वीडियो के अंत में हमारी फोटो दिखाई देगी, उस फोटो पे क्लिक करना तो आपको उस चैनल की लिंक मिल जाएगी। उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, इससे आपको उसके नोटिफिकेशन मिलते रहें कि कब हम लाइव आ रहे हैं। उसमें मोटिवेशनल वीडियोज भी डले हैं और गेट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के वीडियो, इंटरव्यूज से रिलेटेड वीडियोज भी उसमें डले रहते हैं, तो आप उसको देख सकते हो। हमारी ये वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो इनको लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक हैं जो मोटिवेट करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए। अगर आपको लगता है कि हमारे वीडियोस नॉलेजेबल हैं तो इनको बाकी लोगों के साथ शेयर कीजिए, जिससे बाकी लोग भी इससे फायदा उठा सकें। कभी भी रैंडम वीडियो मत देखिए, क्योंकि हर वीडियो में पुराने वीडियो के लॉजिक रहते हैं। ऑर्डर में वीडियो देखने के लिए सब्जेक्ट वाइज वीडियोज़ की प्लेलिस्ट लिंक हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखी रहती है। टॉपिक वाइज वीडियोज़ की प्लेलिस्ट लिंक अगर आपको चाहिए तो गेट क्रैकर्स यूट्यूब चैनल पर विजिट कीजिए। थैंक यू सो मच।